दोस्तों आपका स्वागत है हमारे वशीकरण चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप एक पुतले की मदद से किसी का भी अचूक वशीकरण कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एक पुतला और एक नींबू की जरूरत आपको पड़ेगी और इससे आप अचूक वशीकरण कर पाएंगे मात्र एक घंटे के अंदर अंदर। तो आइए बिना समय गवाए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं या आपकी कोई पुरानी प्रेमिका है जो आपकी जिंदगी से चली गई है, या कोई ऐसी लड़की जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं और आप उससे सच्चा प्यार करते हैं, तो दोस्तों इस वशीकरण का उपयोग आप कर सकते हैं क्योंकि ये अचूक वशीकरण है। इससे जिसका भी आप वशीकरण करेंगे वो हमेशा के लिए आपसे प्यार करने लग जाएगा, हमेशा के लिए आपके प्यार में पड़ जाएगा। जी हाँ, इस उपाय को करने का तरीका बहुत ही आसान है। इसे करने के लिए आपको बस सच्चे मन से पूरी श्रद्धा भाव के साथ इसे करना होगा। दोस्तों कोई भी नेगेटिविटी, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको किसी को नुकसान पहुंचाना है, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा और उसके बाद ही आपको इसका उपयोग करना है। तो सबसे पहले आप घर में ही इस तरह की एक गुड़िया बना लीजिए, कपड़े से काले रंग की बना सकते हैं आप। काले रंग की गुड़िया सबसे ज्यादा इसके लिए इस्तेमाल की जाती है इस वशीकरण के लिए, और एक नींबू का इस्तेमाल किया जाएगा। तो सबसे पहले आप पश्चिम दिशा में मुख करके बैठ जाइए आसन लगा के, और उसके बाद आपको एक नींबू लेना है। नींबू पर आपको लिखना होगा उस लड़की का नाम जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप इस पर लड़की का नाम लिख दीजिए और उसके बाद पीछे की तरफ यानी जिधर आपने लड़की का नाम लिखा है उसके ठीक पीछे आपको लिखना है अपना नाम। इस तरफ अपना नाम लिख दीजिए और इस पर बनाना है आपको एक स्वास्तिक का चिन्ह। इस तरह से एक स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिए इस पर। आप लाल पेन का इस्तेमाल करके ऐसा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है लड़की का नाम और इसके ठीक पीछे है अपना नाम, और नीचे की तरफ यहाँ पर आप इस पे एक स्वास्तिक बना दीजिए। अब नींबू को एक तरफ रख दीजिए और उसके बाद दोस्तों अगला काम जो आपको करना है वो ये कि एक सादा कागज ले लीजिए जिस पर आपको लिखना होगा ये मंत्र। मंत्र बेहद आसान है, मैं आपको बता देती हूँ। इसे आपको इस तरह से लिखना है, ओम चामुंडाए नमः, ओम भद्रकाली नमः, लड़की का नाम, और अंत में आपको लिखना है भस्म ओम भट्ट स्वाहा। इस तरह से आपको लिख लेना है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं मैंने मंत्र यहाँ पर लिखा हुआ है। ये मंत्र है ओम चामुंडाए नमः, ओम भद्रकाली नमः। ये खाली जगह पर आपको उस लड़की का नाम लिखना है जिस लड़की को आप अपने वश में करना चाहते हैं, जिसका नाम आपने इस नींबू पर लिखा होगा वही नाम आपको इस कागज पर भी लिखना है, और अंत में है भस्म ओम भट स्वाहा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप बिल्कुल सही तरह से लिखिएगा दोस्तों क्योंकि आपको इसी मंत्र का उच्चारण करना होगा बाद में। अब हमने ये कर लिया है, उसके बाद अगला काम जो आपको करना है, आपको मौली लेनी है यानी कि लाल रंग का धागा जो पूजा में इस्तेमाल होता है आप वो ले लीजिए, और इसमें आपको डालनी है 5 गांठें। जी हाँ, इस तरह से इसमें आप 5 गांठें डाल दीजिए, और जब आप गांठें डाल रहे होंगे उस समय आपको इस मंत्र का उच्चारण करना होगा। जो मंत्र है ओम चामुंडाए नमः, ओम भद्रकाली नमः, अमुकम भस्म ओम भट स्वाहा। इस तरह से आपको मंत्र का उच्चारण करते जाना है और इसमें 5 गांठें डालनी है, और हर गांठ पे आपको इस मंत्र को एक बार बोलना है। तो यानी कि आप 5 बार इस मंत्र को बोल चुके होंगे जब आप इसमें गांठ डाल रहे होंगे, और दोस्तों उसके बाद जब ये 5 गांठें आप डाल दें तो आपको अगला काम क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये इस तरह से देखिए आप, मैंने इस धागे पर गांठें डाल दी हैं, ये 5 गांठें हो गई हैं इसमें। अब अगला काम आपको ये करना है कि गुड़िया लेनी है और गुड़िया के ऊपर आपको नींबू रख देना है। इस तरह से नींबू रखिए और अपने हाथ से पकड़ के रखिए, और उसके बाद आपको फिर मंत्रों का जो उच्चारण है वो फिर से करना है। मंत्र का उच्चारण आपको अभी 15 बार और करना है, यानी कि टोटल 20 बार आप इस मंत्र का उच्चारण कर चुके होंगे। इसके बाद जब आपका ये कार्य हो जाए तो इस धागे की ही सहायता से आपको नींबू को और ये जो हमने कागज लिया था जिस पर मंत्र लिया था, उस कागज को इस गुड़िया के साथ इस तरह से रख देना है, और दोस्तों 1 बार और आपको मंत्र का उच्चारण करना है, यानी कि टोटल आपका ये 21 बार मंत्र का उच्चारण हो जाएगा।
उसके बाद आप इस धागे को भी इस तरह से इसके ऊपर बस लपेट दीजिए। और लपेटने के बाद दोस्तों आपको इस सामग्री को ले जाना है और पीपल के पेड़ के नीचे, जी हाँ पीपल का पेड़, और इस समय पर आपको जाना है जिस समय पर कोई हो ना वहां पर, यानी कि कोई आपको टोके नहीं, कोई आपसे ये ना पूछे कि ये क्या कर रहे हो। आपको चुपके से जाना है और ये सारी सामग्री पीपल के पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोद के और उसके नीचे दबा देनी है। जब आप वापस आ रहे होंगे तो आपको पीछे पलट कर नहीं देखना है दोस्तों, आपको सीधा अपने घर आ जाना है। मात्र एक घंटे के अंदर अंदर वो लड़की जिसके नाम पर आपने ये गुड़िया और ये नींबू का वशीकरण किया है, वो लड़की आपको या तो फोन करेगी या फिर आपके घर पर खींची चली आएगी और आपके प्यार में पड़ जाएगी और आपका वशीकरण पूरा हो जाएगा। दोस्तों आप एक काम और कर सकते हैं कि हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना और अपनी प्रेमिका का नाम लिखकर भेज दीजिए, जिससे कि हमारे जो गुरुजी हैं वो आपके लिए इस विधि को संपन्न कर देंगे। और अगर आपका कोई सवाल है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा अचूक वशीकरण है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि जिससे आपको शादी करनी हो या जिसे आप सच में चाहते हो कि वो आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए आ जाए, सिर्फ उसी पर आपको इसका उपयोग करना है, क्योंकि इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा और तुरंत वो महिला या वो लड़की आपके प्यार में पड़ जाएगी। तो दोस्तों आप इसे कीजिए और अगर कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।